इतनी गर्मी में सूट, शादी में गए थे क्या? शादी हाँ, मतलब ना। अच्छा लग रहे हो। अच्छा क्या जरूरी बात थी? ओ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब मैं तुम्हें शादी के लिए पूछने आया था। शादी? पागल हो गए हो क्या? ये क्या तमाशा है? जो तमाशा ना है, भावना है मेरी। प्यार तो करती हो ना मुझसे? हाँ गुड्डू, लेकिन प्यार और शादी तो बहुत अलग होते हैं ना। मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ अभी, मतलब मुझे अभी दिल्ली जाना है, जॉब करनी है, जर्नलिस्ट बनना है। तुम मैं थोड़ी ना रोक रहा हूँ तुम्हें ये सब करने से। ये सब तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, और हम शादी के बाद दिल्ली सेटल हो जाएंगे। मेरा भी तो भविष्य दिल्ली में ही है ना। लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती भी नहीं हूँ अभी गुड्डू, इतनी जल्दी शादी कैसे कर लूँ? रश्मि मैं तुम्हें अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए कह रहा हूँ। अभी हो या कभी भी हो, एक दूसरे को सही तरीके से जानना तो जरूरी है ना। अरे हम जब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे तो कैसे जान पाएंगे? और क्या जानना है तुम्हें, खुली किताब हूँ मैं। खुली किताब पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। तुम्हें वो अम्मा जी याद है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर उसे पहले पता होता कि उसका पति शराबी निकलेगा तो वो कभी उससे शादी नहीं करती। तो मैं क्या शराब पीता हूँ, बताया तो था तुम्हें। अरे शराब की बात नहीं है यार। तो क्या बात है? तुम बैठो बैठो यार। देखो गुड्डू, मैं ना पहले भी एक बार गलती कर चुकी हूँ और मैं वापस ही नहीं करना चाहती। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ थोड़ा अकेले में टाइम नहीं बिताएंगे तो एक काम करते हैं, हमें ना लिव इन करना चाहिए। का? क्या का? मैं बोल रही हूँ हमें पहले लिव इन करना चाहिए। ये बात कहाँ से आ गई शादी के बीच में? मैं देखूँ तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े के उठते तूफान सीने।